देखो, एप्पल वेयर का फ्रूट का ऐसा साइज है, इसमें हम ऐसा खाद इस्तेमाल करेंगे, इसमें इसका साइज जो है काफ़ी मोटा हो जाएगा और तुरंत मैच्योर हो जाएगा। देख सकते हो ये इतना मोटा है। इसमें क्या क्या खाद इस्तेमाल करना है पूरा वीडियो देखिए, आपको पता चल जाएगा। वेलकम टू अर्थ प्रण नर्सरी। आज 28 नवंबर, 28th ऑफ नवंबर, तो आज के डेट में एप्पल वेयर में बहुत सारे फ्रूट में कलर आ चुका है। तो इस डेट में हमें क्या करना है और क्या करने से फ्रूट का साइज़ मोटा होगा। तो बहुत सारे किसानों का कॉल आ रहा है कि फ्रूट का साइज़ अच्छा नहीं आ रहा है, फ्रूट का साइज़ ठीक ठाक नहीं है, तो इसके लिए हमें क्या करना है, क्या करना ज़रूरी होता है। वैसे अभी आज 28 नवंबर है, जो कश्मीरी सुंदरी एप्पल वेयर है या बल सुंदरी एप्पल वेयर है, इसका साइज़ आपको बहुत बढ़िया साइज़ आपको नहीं देगा। जो यहाँ पे देख सकते हो बिल्कुल वैसा साइज़ का आपको मिलेगा। और हमें जो है इसी फ्रूट को मोटा साइज़ में यानी बड़े बड़े इनक्रीज़ करना है। तो ऐसे करने के लिए हमें बहुत चीज़ों का ध्यान रखना होता है, बहुत सारे खाद इस्तेमाल करना होता है, सिंचाई वगैरह में ये करना होता है, और साथ ही साथ दवाई भी स्प्रे करनी होती है। दवाई यानी विटामिन जो होता है वो सारे हमें स्प्रे करना होता है। तो यहाँ पे देख सकते हो ये नवंबर महीने का 28 तारीख को इसका कलर भी काफ़ी अच्छा आ चुका है। यहाँ पर पूरा भरपूर कलर है इसमें, एंड साथ ही साथ इसका साइज़ उतना ज़्यादा बड़ा नहीं हुआ है, अभी इतना ही होता है साइज़ इसका। देख सकते हो पूरा पेड़ में भरपूर फ्रूट पकड़े हुए हैं, यहाँ पे जितना सारे पेड़ दिखाया जाए, और हर एक फ्रूट में यहाँ पे कलर बिल्कुल आ चुका है। तो कश्मीरी सुंदरी बोलिए, बल सुंदरी बोलिए, हर एक में कलर आ चुका है। तो हमें क्या करना होता है, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो इसका सिंचाई अभी चल रहा है, तो सिंचाई करना बहुत ज़रूरी होता है। तो जैसे कि हमारा कलकत्ता में इसी सिस्टम में सिंचाई होता है, और दूसरे राज्य में जैसे इरिगेशन सिस्टम, ड्रिप सिस्टम, जो सारे चीज़ें होता है वैसे सिंचाई किया जाता है। तो जैसे भी आप सिंचाई करें, खाद आपको ज़रूर डालना होता है। जैसे कि मैंने यहाँ पे खाद जो है मैंने छिड़काव कर दिए, तो यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर खाद ऑलरेडी छिड़काव हो रखा है। यहाँ पर जो आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर जो हम खाद थोड़ा उठाए हैं हाथ में, तो यहाँ पे देख लीजिए खाद जो इस्तेमाल किया गया है, यहाँ पे एनपीके का 10-26 इस्तेमाल किया गया है, और थोड़ा मात्रा में यहाँ पे यूरिया इस्तेमाल किया गया है, जो आपको नहीं करना है बिल्कुल। थोड़ा मात्रा में यहाँ पे यूरिया इस्तेमाल किया गया, थोड़ा बोला तो एकदम बिल्कुल हल्का मात्रा में। तो आपको जो सारी चीज़ ध्यान रखना है कि आपको एनपीके का 10-26 आपको इसमें डालना ज़रूरी है, और कितना करके डालना है बोले तो ये पूरा फुल मुट्ठी में जितना आता है उतना करके डालना है, उसमें आपको 100-110 ग्राम करके आ जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हो इसमें काफ़ी ज़्यादा फ्रूट पकड़े हुए हैं, और फ्रूट का साइज़ ये जो हम खाद इसमें इस्तेमाल किए हैं, इसका साइज़ बहुत इंक्रीज हो जाएगा, बहुत अच्छा हो जाएगा, और साथ ही साथ इसमें कलर भी और भी अच्छा हो जाएगा, कलर और भी फूटेगा इसमें। और देख सकते हो काफ़ी लोग बोलते हैं कि भाई 7-8 महीने प्लांट लगाया तो उसमें फ्रूट अच्छा नहीं आया। मेरा प्लांट जो है 6 महीने का प्लांट है, यहाँ पर ये जो प्लांटेशन किया गया है 6 महीने का है, और यहाँ पे प्लांट का ये नीचे का स्टेम देख के आपको पता चल जाएगा कितना दिनों का है। तो बिल्कुल 6 महीने का प्लांट है, और इसमें काफ़ी ज़्यादा फ्रूट पकड़े हुए, एक एक प्लांट में अगर देखा जाए तो 40 से 45 किलो करके फ्रूट पकड़े हुए हैं। और फ्रूट पकड़ने का एक बार तरीका आप देख लीजिए, इसमें बहुत ज़्यादा करके फ्रूट पकड़े हुए हैं, बिल्कुल पूरा खेत एक बार आप देख लीजिए। तो आपको जो है शुरू में हम एक वीडियो डाले थे कि जब फ्लावर आता है तो आपको क्या क्या चीज़ ध्यान रखना होता है, क्या क्या करना होता है, तो बिल्कुल हम वैसे प्रोसेस से गुजरे हैं जिसके कारण से इतना ज़्यादा फ्रूट पकड़े हैं। उसका वीडियो भी हमारे चैनल पे है, आप देख सकते हो। और साथ ही साथ अभी आज का वीडियो जो डाला जा रहा है ये आपका फ्रूट को कैसे इंक्रीज करना है, और साथ ही साथ नेक्स्ट जो वीडियो आएगा फ्रूट में कलर कैसे लाना है, जल्दी मैच्योर कैसे करना है, ये सारे जो है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो हर एक दिन में आपको अपडेट किया जाएगा, जब जब इसमें खाद, जब जब इसमें स्प्रे किया जाएगा तो आपको अपडेट ज़रूर किया जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हो पूरा खेत में जो है ऐसा करके फ्रूट पकड़े हुए हैं, बहुत ज़्यादा फ्रूट इसमें पकड़े हुए हैं, आप देख सकते हो काफ़ी अच्छा फ्रूट है, और काफ़ी कलर भी है, साथ ही साथ इसका जब इसका साइज़ जब मोटा होगा तो और भी देखने में और भी सुंदर लगेगा। तो इसमें खाद इस्तेमाल कर दिया गया है, खाद छिड़काव कर दिया गया है, तो ये और भी मोटा साइज़ का हो जाएगा। तो आप भी आपका खेत में अगर फ्रूट का साइज ऐसा है तो आप बिल्कुल इस्तेमाल कर सकते हो इस खाद को, एनपीके का 10-26 आपको ज़रूर इस्तेमाल करना है फ्रूट को मोटा साइज करने के लिए, फ्रूट को बड़ा करने के लिए। तो आज का वीडियो इतना ही, आगे भी और भी वीडियो आने वाला है, और भी वीडियो आएगा, जब जब इस खेत में किसी चीज़ का प्रयोग किया जाएगा तो आपको वीडियो बना के ज़रूर दिया जाएगा। तो चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब करना ना भूले, आगे भी इससे बढ़िया बढ़िया वीडियो आने वाला है।